की फौज किस तरह से मौज कर रही है, काफी जो है कि उत्साह भरा बम भोले का नारा एक से पैदल यात्रा कर रहे हैं। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे पालटाल वाला रास्ता हो, बट हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अंधे प्यासे को पानी। तो फाइनली जो है कि सुबह के 5 बज गए हैं और हम लोग जो है कि निकलने के लिए रेडी हो गए हैं, नहा वहा लिए एकदम बिल्कुल, कपड़े उपड़े चेंज कर लिए और यहाँ पे लाउड शो हो रहा है कि गेट नंबर 2 पे चंदनवाड़ी की तरफ सब लोग निकलें। तो भीड़ बहुत कम है, सब लोग निकल ही गए हैं, ऑलमोस्ट निकल दिया है। हम भी 2-3 लोग हैं, पूरा कैंप खाली हो गया है, यात्रा को कुछ छोड़ दी गई है। हम हैं लोगर साहब में, एक हमारे मित्र हैं अंदर, अभी तक उनका पैकिंग नहीं हुआ, ये देखिए कैंप में अभी तक अटके पड़े हैं, ये देखिए कितना ढील है। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहे, हम आपको आगे की यात्रा दिखाते हैं। और सारे टेंट अभी खाली हो चुके हैं, अब हम लोग भी निकल रहे हैं। तो अब हम निकल चुके हैं बैग वैग अपना लेके, और लाइन लगी हुई है चंदनवाड़ी के लिए। यहाँ पे लाइन तो नहीं है, लाइन ही है। बम 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 हर हर महादेव। हम जो है कि कैंप से, बेस कैंप से निकल रहे हैं अब चंदनवाड़ी के लिए। बाहर जाके गाड़ी पकड़ा जाएगा और हमारी यात्रा भोलेनाथ की कृपा से सुबह सुबह 5:30 बजे ही स्टार्ट हो गई। 5:30 बजे हम लोग बाहर निकल रहे हैं। जो है कि हम अब चंदनवाड़ी के लिए यहाँ से टैक्सी ले रहे हैं और यहाँ से 10-12 किलोमीटर है, तो उसके लिए हम टैक्सी ले रहे हैं। ये टैक्सी जो है कि हमारी हो गई है, अब इसी में हम लोग बैठेंगे। हमारी टैक्सी यही है, चलो ठीक है इसी में बैठते हैं। फिर यात्रा चालू होती है तो यहाँ बाहर जैसे ही हम निकलते हैं कैंप से, तो यहाँ पे बहुत सारी टैक्सियाँ मिलती हैं जो चंदनवाड़ी तक ले जाती है, जहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमारे साथ के लोग सब लोग टैक्सी में बैठ गए हैं, तो हम भी अब इसमें बैठने जा रहे हैं। बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले। तो फाइनली जो है कि हम लोग पहलगाम बेस कैंप से निकल गए हैं और टैक्सी में बैठ के चंदनवाड़ी के लिए जा रहे हैं, जहां से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी। जो लोग पैदल यात्रा कर सकते हैं वो पैदल करें, और जो लोग घोड़े से यात्रा करना चाह रहे हैं उनको घोड़े भी वहां पे मिल जाते हैं। तो फाइनली हमारा यहाँ चंदनवाड़ी में चेकिंग होगा, यहाँ चेकिंग होने के बाद हम जो है कि हमारी पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे चेकिंग करवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पुरुषों के लिए अलग लाइन है और महिलाओं के लिए अलग लाइन है। हर हर महादेव। तो हम लोग यहाँ चंदनवाड़ी में चेकिंग के लिए लगे हुए हैं लाइन में, और यहाँ चेकिंग होने के बाद में जैसे ही हम चेक पोस्ट पास करते हैं, वैसे ही हमारा जो है कि पैदल यात्रा शुरू हो जाता है। जो लोग पैदल यात्रा करना चाहते हैं वो पैदल करेंगे, और जो घोड़े का सहारा लेना चाहेंगे उनको घोड़े भी मिलेंगे। तो हम लोग पैदल यात्री हैं, तो हम लोग पैदल ही यात्रा करेंगे। तो एक बार जयकारा हो जाए, बम 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 बम। चेकिंग करवा के जो है कि चंदनवाड़ी के चेकिंग हो गया है हमारा। अब यहाँ पे हम सोच रहे हैं ये बहुत काम आता है यात्रा में, तो इसको ले लिया जाए फिर आगे बढ़ा जाए। तो ये शुरुआत में ही ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ना बहुत महंगे मिलते हैं, यहाँ पे सही रेट में मिल जाता है। चंदनवाड़ी मेन चेक पोस्ट से थोड़ी दूर आने के बाद यहाँ पे रूट जो है कि डाइवर्ट किया जा रहा है। जो पुराना रास्ता है उस रास्ते से घोड़े वाले जा रहे हैं, जो नया ट्रैक बना हुआ है इस
रास्ते से जो है कि पैदल यात्री हम लोग जो कि पैदल यात्रा इस नए वाले रूट से करने वाले हैं। तो हम लोग जो है कि नए वाले रूट से यात्रा कर रहे हैं और सभी लोग जितने लोग पैदल यात्री हैं सबको इसी रास्ते पे भेजा जा रहा है नए वाले रूट पे। तो नए वाले रूट से सब पैदल यात्री आ रहे हैं और पुराने वाले रूट पे घोड़े जा रहे हैं। तो मौसम काफ़ी अच्छा है इन पहाड़ियों पे, किस तरह से धूप खिली हुई है, बहुत ही बढ़िया मौसम है, इसलिए सुबह सुबह जो है कि यात्रा चालू कर दी गई और हम लोग भोले के दरबार के लिए निकल पड़े हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो न्यू ट्रैक है ये भी थोड़ा तीखा ही है बट पुराने ट्रैक से काफ़ी अच्छा है। हर हर महादेव। तो फाइनली हम लोग जो है कि न्यू ट्रैक से पैदल यात्रा कर रहे हैं, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे बालटाल वाला रास्ता हो बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पहलगाम से चंदनबाड़ी से पिस्सू टापू तक जो न्यू ट्रैक बना हुआ है उसी ट्रैक से हम यात्रा कर रहे हैं और ये बिल्कुल सेम टिट्टो कॉपी लग रहा है बालटाल वाला जैसे, क्योंकि बहुत ही तीखी चढ़ाई है। अभी थोड़ी ही दूर आए हैं और हालत थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि साल भर में एक बार हम लोग आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। भोले बाबा के दरबार जा रहे हैं, थोड़ा पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। आपको ट्रैक में दिखाता हूँ किस तरह का अभी ट्रैक बन गया है, जो न्यू ट्रैक है चंदनबाड़ी से जो न्यू ट्रैक बना हुआ है पहलगाम वाला वो कुछ इस तरह से है। बहुत ही काफ़ी तीखी चढ़ाई है, एकदम बालटाल वाली जैसी चढ़ाई उसी तरह एकदम बिल्कुल ये भी चढ़ाई है। और जो जो ओल्ड ट्रैक था उस पर जो है कि सिर्फ घोड़े वाले जा रहे हैं, खच्चर वाले जा रहे हैं और इसी रास्ते पे जो है कि वहीं पे डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, न्यू ट्रैक पे सिर्फ पैदल यात्री चल रहे हैं। आप देखिए कुछ इस तरह से लोग आ रहे हैं और कितनी तीखी चढ़ाई है। ऐसे करके हमें वहाँ ऊपर जाना है, फिर वहाँ से और ऊपर जाना है। ये हमारे साथी लोग हैं जो लोग काफ़ी अभी हताश हो रहे हैं तो मैंने इनको जो है कि प्रमोट किया कि हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बस धीरे धीरे भोले बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहो और यात्रा कंटिन्यू करते रहो। एकदम बिल्कुल भोले बाबा की फौज एकदम मौज में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों ने देखा ये भोले की फौज किस तरह से मौज कर रही है, काफी जो है कि उत्साह भरा बम बम भोले का नारा रहा और इसी उत्साह के साथ जो है कि हम अमरनाथ की यात्रा पूरी करना चाहेंगे। काफी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मौसम क्लीन है, एकदम साफ है, बहुत ही कड़क धूप हुई है, मौसम काफ़ी हीट हो रहा है धीरे धीरे। अभी सुबह का टाइम है इसलिए उतना एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे धूप होता जाएगा ऊपर हम लोग जाते जाएंगे वैसे वैसे हीट बढ़ता जाएगा तो थोड़ा सा यात्रा करने में डिफिकल्ट होगा। हर हर महादेव। तो हम फाइनली जो है कि काफ़ी पिस्सू टापू के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं, यहाँ से बस 2 किलोमीटर रह गया है। हम काफ़ी नीचे से आ रहे हैं, नीचे से आके अभी यहाँ तक पहुंच गए हैं और ये न्यू वाला ट्रैक है और काफ़ी अच्छी धूप हुई है और यहाँ से आप देखिए पिस्सू टापू 2 किलोमीटर, जाजीवाल 6 किलोमीटर, शेषनाग 11 किलोमीटर, पंचतरणी 25 किलोमीटर, होली केव 31 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स अभी 31 किलोमीटर की यात्रा करनी है पैदल यात्रा, तो धीरे धीरे भोले बाबा के दरबार की तरफ बढ़ते हैं। हर हर महादेव। महादेव। तो फाइनली जो है कि हम पिस्सू टॉप के बहुत ही करीब आ गए हैं और
हमारी थकावट देख के हमारे साथी लोग जो है कि हमारा बैग ले लिए हैं। अब बहुत ही कंफर्ट महसूस हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको दिखा दूं कि हमारे साथी लोग हमारा बैग किस तरह से टांग के आगे लेके जा रहे हैं। आगे हमारा बैग जा रहा है, हमारे दो साथी लोग बैग ले लिए हैं। बहुत ही अभी कंफर्ट और मतलब फीलिंग हो रहा है, अच्छा लगा, थोड़ा सा आराम मिल गया, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाएगी। अभी हमको वहाँ जाना है, मगर अब जो है कि चढ़ाई वाला नहीं है, चढ़ाई वाला रास्ता अलग है। अब चढ़ाई वाला रास्ता ख़त्म हो गया है, हम न्यू ट्रैक से जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा है, काफ़ी धूप निकला हुआ है और जिसकी वजह से पसीने से लथपथ हो जा रहे हैं लोग। हर हर महादेव। तो फाइनली यहाँ पे ओल्ड ट्रैक और न्यू ट्रैक दोनों का यहीं पे समागम होता है, दोनों यहीं पे मिल जाते हैं। ये दूसरा जो है पुराना वाला ट्रैक है जिसपे सिर्फ घोड़े पिट्ठू वाले ही चल रहे हैं, घोड़े वाले चल रहे हैं, और दोनों आके यहाँ पे पिसू टॉप के थोड़े से पहले यहाँ पे दोनों मिल जाता है। अब यहाँ से घोड़े और पैदल यात्री सब साथ में चलेंगे। महादेव, फाइनली जो है कि हम लोग पिसू टॉप की चढ़ाई कंप्लीट कर ली है और पिसू टॉप पे पहुंच गए हैं। हमारा यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हुआ अपना पिसू टॉप। अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा जलपान वगैरह किया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। और धीरे धीरे सभी यात्री आ रहे हैं। बोले हर हर महादेव। तो यहाँ से हमारी जो है कि यात्रा जाजीवल को जाएगी जो 4 किलोमीटर है, और शेषनाग को जाएगी जो 9 किलोमीटर है, और पचतरनी अभी 23 किलोमीटर है, होली कैंप 29 किलोमीटर है। तो टोटल हमारी यात्रा बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक जाने के लिए अभी हमें 29 किलोमीटर का पद यात्रा करना पड़ेगा, जो रास्ते में काफ़ी मुश्किलें भी होंगी, लेकिन बाबा के नाम के सहारे हम सभी यात्री एक साथ जाएंगे। हर हर महादेव। रखते गढ़ आने वाले हैं अमरनाथ यात्रा पे, वो पहलगाम से यात्रा करें जिस रास्ते से जो है कि बाबा भोलेनाथ पवित्र गुफा तक गए थे, इसी रास्ते से यात्रा करें और उतरने के लिए जो है कि बालटाल रास्ते का प्रयोग करें। और यहाँ पे जो है कि अभी हम पिसू टॉप पे बैठे हुए हैं और यहाँ काफ़ी जो है कि पहाड़ियाँ काफ़ी खूबसूरत हैं, ये घाटियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही मनमोहक हैं और मन को बिल्कुल शुद्ध कर देती हैं। इन्हें देखकर ही लोगों के अंदर जो है कि साहस आता है, हिम्मत आती है, इन्हीं को देख के लोगों की थकावट दूर होती है, हमारी भी हो रही है। तो इन्हीं प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लालसा और बाबा भोले का दर्शन करने की लालसा जो है कि सभी भक्तगणों को यहाँ तक खींच तक लाती है, और लोग इतनी मुश्किल चढ़ाइयों को जो है कि चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे की यात्रा जो है कि हमारे साथ बने रहने के लिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर।